हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टर लर्न चैनल पे। मैं हूँ आप सबका दोस्त सी एस ओम ने। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है आईटीसी। आईटीसी के आज रिजल्ट आए हैं। क्या हमें आईटीसी को होल्ड करना चाहिए अगर हमने पहले से खरीद रखा है? क्या हमें उसमें नई बाइंग करनी चाहिए या हमें बेच देना चाहिए? तो आपके इन सब क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों को इतना प्यार मिल रहा है। हमारी लास्ट वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर 248 थे और मैंने आप सब लोगों से बोला था कि अगर आप सब लोगों का साथ रहा था और इसे दिल खोल कर शेयर कीजिए तो ये हमारे सब्सक्राइबर 250 हो जाएंगे। बट आप लोगों ने इतना ज़्यादा दिल खोल के शेयर किया और हम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि हमारे सब्सक्राइबर 250 से बढ़ के 265 तो हो गए। थैंक यू फ्रेंड, आप सब लोगों का जितना मैं धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये देखिए, हमारा आज का टॉपिक है आईटीसी। हम देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट आए हैं। इसका सिगरेट का रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा है वो 50% काम देता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से हाइलाइटर खोल देता हूँ। ये देखिए, हमारे जो सिगरेट रेवेन्यू के अंदर है लॉकडाउन की वजह से जो मोर देन वन वीक रहा था मार्च के अंदर, तो उसमें 0.65% की गिरावट रही है। और इसका कारण एक ये भी है, इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी, उससे भी थोड़ा बहुत इनके सिगरेट रेवेन्यू के कामकाज पे गिरावट देखने को मिली थी। और इनके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इसकी वजह से 11.7% का लॉस देखा गया है, मतलब डाउनफॉल देखा गया है। और इनका एफएमसीजी के अंदर क्या आता है, इनका बिंगो आता है, सनफीस्ट आता है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, हमारी यीपी आती है जो हम सब लोग बड़े ही खुश होकर खाते हैं। तो इसका रेवेन्यू हम देखते हैं, ये 3273 से घटकर 3183 हमारा जो रेवेन्यू हमारी सेल्स हुई है इसमें -2.8% की गिरावट देखने को मिली है। बट इसका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है वो बहुत अच्छा है। गिरावट के बाद भी वो 130 से करोड़ बढ़ के 147 करोड़ आया है, जिसके अंदर 12.6% का अपसाइड देखा गया है। और ये देखिए होटल रेवेन्यू हमारे 509 करोड़ की इसमें रेवेन्यू हुई है और अब ये 465 करोड़ हो गई है, जो 0.86% गिरी है। आपको सबको पता है आईटीसी होटल्स हमारे कौन से होटल हैं। बुरे देखिए, होटल्स की ईबीआईटी 88 से करोड़ से गिर के 42 करोड़ तक गिर गई है, जो हमारा 50% का फॉल आया है। तो इससे हमें क्या दिखता है कि होटल्स का बिज़नेस तो अभी क्वार्टर वन में भी बहुत ज़्यादा ढीला चल रहा है, तो इससे हमें इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, इसकी जो टोटल हमारी आप इन सब की ऐड करेंगे तो 11,000 करोड़ की रेवेन्यू है, उसे होटल जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करता है। तो होटल बिज़नेस इनका 5-10% बिज़नेस ही होगा और 10% भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है। तो इसका मतलब हमें होटल रेवेन्यू से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और एग्रीकल्चर बिज़नेस में आ जाता है हमारा आशीर्वाद, और जो हमारा एग्रीकल्चर बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक इनका बहुत अच्छा सेगमेंट है। इसके अंदर 10% की हमें डाउनफॉल देखने को मिली है। पिछली बार 2100 करोड़ का था, इस बार 1887 करोड़ का, इसमें 10.2% की डाउनफॉल मिली है। उसके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 147 से गिर के 123 हो गया। और पेपर एंड पैकेजिंग का ये देखिए, हमारा जो क्लासमेट है जिसकी हम कॉपी सबसे ज़्यादा अपने ऑफिस और स्कूल्स में यूज़ करा करते हैं, तो ये देखिए हमारा 1537 करोड़ से गिर के 1458 करोड़ तक आ गया, जिसमें 5.1% की डाउनफॉल देखने को मिली है। और प्रॉफिट के अंदर इसमें ईबीआईटी के अंदर हमारी -5% ग्रोथ आई है। तो हमारा ओवरऑल देखें तो हमारी खाली एफएमजीसी ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी सबके अंदर हमारी ग्रोथ डाउनवर्ड देखने को मिली है। आइए इसके रिज़ल्ट को और डीप में जाके एनालाइज करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पूरा जो टोटल रेवेन्यू बताया वो 10,842 करोड़ का है और लास्ट टाइम हमारा 12,000 करोड़ का था। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमारे 10% की रेवेन्यू के अंदर डाउनफॉल है। और अदर इनकम लास्ट टाइम 740 करोड़ थी, वो इस टाइम 755 करोड़ है। तो इसके अंदर थम्स अप है हमारा, इसके अंदर 5% बढ़ा है। तो टोटल इनकम देखते हैं, हमारा रेवेन्यू, हमारा एक टोटल एक्सपेंडिचर हमारा घटा है, कंपनी ने एफिशिएंटली काम करा है, हम सब लोगों का जो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है। पिछली बार 7,770 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, इस बार 700 करोड़ का कम हुआ है, 7,071 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। तो हमारा लास्ट टाइम ईबीआईटी 5,000 करोड़ था, इस बार वो 4,500 करोड़ है। बट इस साल हमें क्या है, जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 30% फ्लैट था,
बट इस टाइम वो 22% है, उसके ऊपर सेस लगते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है, टैक्स 1500 से गिर के 714 करोड़ हो गया और आपके ऑल ओवर प्रॉफिट के अंदर जंप ही देखने को मिला है। मतलब लॉकडाउन के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको प्रॉफिट के अंदर जंप ही देखने को मिला है, तो इसके अंदर मेरे को थम्स अप दिखता है। तो फ्रेंड इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, एक तो हमारा सिगरेट एक्साइज की वजह से हमारा थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, और अब मैं आपको इसके अंदर बता दूँ कि हमें बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए, और बाय नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आपको फ्रेंड निफ्टी पे व्यू दे देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा निफ्टी आज 10,383 पॉइंट्स पे आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 94 पॉइंट आज बढ़े। आप मेरे को एक बताइए, आज के दिन ऐसी क्या न्यूज़ थी जो पॉइंट हमारा बाजार 100 पॉइंट ऊपर बढ़ाए? क्या लॉकडाउन खुल गया? क्या असम के अंदर आपको आज कोई न्यूज़ नहीं मिली कि लॉकडाउन फिर से लग रहा है? क्या पंजाब के अंदर बातें नहीं हो रही हैं कि लॉकडाउन फिर से लगेगा? क्या वेस्ट बंगाल ने अभी 31 जुलाई तक लॉकडाउन नहीं लगा दिया है? क्या चेन्नई के अंदर लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है? क्या केसेस हमारे 5 लाख आज क्रॉस नहीं हुई है? आज आप अपनी आरोग्य सेतु पे ऐप पे जाके देखें। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या है, हमारा निफ्टी के अंदर एक बबल क्रिएट हो गया है। एक बबल का क्रिएट होने का क्या मतलब होता है, ये देखिए बबल। बबल क्या होता है, जैसे जब आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही हो और आपके जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर क्यों जा रहे हो? भेड़ चाल की वजह से जा रहे हो। जैसे कोई भी एक सेक्टर है, जैसे मान लेते हैं FMCG का ही मान लेते हैं, तो अगर किसी FMCG के शेयर में एक ग्रुप ने इन्वेस्ट करा, उसको देखा देख किसी और ग्रुप ने इन्वेस्ट करा, उस ग्रुप को देखने के बाद उसमें QIB भागने लगे, QIB भागने के बाद रिटेल इन्वेस्टर भागने लगा। मतलब उसकी एक्चुअल वर्थ तो उसकी 100 रुपये की शेयर है, बट अपर सर्किट लग लग के वो शेयर 500 रुपये का आ गया है। तो एक दिन तो बबल फटना ही है ना, जब आपको देखेगा कि आपने जो 500 रुपये लगाए हैं उस शेयर की एक्चुअल वर्थ ही नहीं है, वो इतना रिटर्न नहीं दे रहा है, उसके अंदर इतना एक्सपेंशन नहीं है, बट उसकी आपने क्या करा है, मार्केट वैल्यू बढ़ा दी है। तो फ्रेंड अभी मेरे हिसाब से तो मार्केट के अंदर एक बबल क्रिएट हो चुका है, और ये बबल कभी भी बस्ट हो सकता है। बबल स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकता है और बबल जो है मार्केट वाइज भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑल ओवर मार्केट बबल होता है, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट की एक्चुअल वर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने तो अपना जो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा रखा था वो स्टॉक मार्केट से निकाल लिया है। अगर आप मेरे से बोलने को बोलेंगे कि आपने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लिया है, तो आप अपने प्रॉफिट बुकिंग वाले स्क्रीनशॉट शेयर करें। तो अगर आप 5 से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो फ्रेंड आपको पता लग गया होगा कि ITC के इतने अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करने के लिए। और जैसा आपकी मर्जी, एक एजुकेशनल वीडियो, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। आप 1000 शेयर भी बाय कर सकते हैं, 10,000 शेयर भी बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इतने ही प्यार के साथ, और मेरे को मोटिवेट करते रहिए अपने इस लगातार बढ़ते प्यार के साथ।